आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर 12 ए रेनी डे। इससे रिलेटेड मैंने जो है आपको वर्ड पावर कराया था कल। ए रेनी डे इज एन इंटरेस्टिंग डे फॉर द चिल्ड्रेन। रेनी डे यानी बरसात का दिन जो है बच्चों के लिए बहुत ही क्या होता है, बरसात का दिन बच्चों के लिए मजेदार दिन होता है, इंटरेस्टिंग है ना। बच्चों के लिए बरसात का दिन बच्चों के लिए मजेदार का दिन होता है। ए रेनी डे इज एन इंटरेस्टिंग डे फॉर द चिल्ड्रेन, ठीक है। बरसात का दिन बच्चों के लिए एक मजेदार दिन होता है। इफ द रेन आर हैवी द स्कूल एंड कॉलेज आर क्लोज। इफ माने यदि बरसात ज्यादा है तो स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते हैं। यदि बरसात ज्यादा है तो स्कूल और कॉलेज क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। इफ द रेन आर हैवी द स्कूल एंड कॉलेज आर क्लोज। यदि बरसात भाई ज्यादा हो जाती है तो उस दिन स्कूल और कॉलेज क्या हो जाते हैं बच्चों, बंद हो जाती है, ठीक है। दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वांडर हेयर एंड देयर। उन्हें यहाँ और वहाँ घूमने का अवसर मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। उन्हें यहाँ और वहाँ घूमने का क्या मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। किसको, बच्चों को, है नहीं। दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वांडर हेयर एंड देयर। उन्हें जो है यहाँ और वहाँ घूमने का अवसर मिल जाता है, ठीक है। दे पास द डे मेरली। वे आनंदित होकर दिन व्यतीत करते हैं। इट वॉज ए क्लियर डे इन विंटर। यह सर्दियों का साफ दिन था। वी एक्सपेक्टेड ए कोल्ड डे। हमने एक ठंडा दिन अपेक्षित किया था। वी एक्सपेक्टेड ए कोल्ड डे। हमने एक ठंडा दिन अपेक्षित किया था। बट लेकिन एट अबाउट 7 इन द मॉर्निंग देयर वॉज ए लेट स्टॉप इन द विंड, ठीक है। लेकिन सुबह को 7 बजे के आसपास हवा में गहरी रुकावट थी, ठीक है। लेकिन जो है शाम को 7 बजे सुबह 7 बजे हवा में जो है क्या थी, ठंडी भाई। लेकिन सुबह को 7 बजे के आसपास हवा में गहरी क्या थी, रुकावट थी, है ना। यानी क्या था, ठंडा मौसम था, ठीक है। कहने का तात्पर्य है द वेदर बिकम वार। मौसम गर्म बन गया। A few patches of cloud were seen in the sky, ठीक है। बादल के कुछ पैबंद आसमान में दिखाई दिए, ठीक है। At about night clouds become thicker and darker in the sky, ठीक है। नौ बजे के आसपास आसमान में बादल घने और अंधकारमय बन गए। एट अबाउट नाइन क्लाउड्स बिकम थिकर एंड डार्कर इन द स्काई, है ना।
9 बजे के आसपास आसमान में बादल घने और अंधकारमय बन गए। द विंड बिगैन टू ब्लो हार्डर, द विंड मतलब हवा मुश्किल से बहने लगी। द विंड बिगैन टू ब्लो हार्डर, हवा मुश्किल से बहने लगी। एट टाइम्स थंडरिंग वाज हार्ड। ठीक है, उस समय गर्जन सुनाई थी। अब देखो, सुडनली इट बिगेन टू रेन हैवली। सुडनली माने जल्द ही, है ना। सुडनली माने अचानक, सुडनली मीन अचानक तेज बारिश होने शुरू हो गई। अचानक तेज बारिश होनी शुरू हो गई, भाई होनी शुरू हो गई। Those who were in the street took shelter in the nearby houses. ठीक है, nearby houses, जो लोग गलियों में थे अपने आसपास के घरों में शरण ली। ठीक है, Some were completely wet, लेकिन कुछ क्या हो गए, पूरी तरह से भीग गए। लेकिन कुछ जो है पूरी तरह से भीग गए थे। देयर वॉज नी डीप रादर वाटर ऑन द मेन रोड, मुख्य मार्ग पर, मुख्य सड़कों पर घुटनों तक गहरा पानी था। मुख्य सड़कों पर नी देयर वॉज एक नी डीप वाटर ऑन द मेन रोड, मुख्य सड़कों पर घुटनों तक गहरा पानी था। देयर वेयर थंडर एंड हेल। वहां गर्जन और ओले थे। ठीक है, द विंड वाज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। आई वाज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। द स्कूल वाज क्लोज, स्कूल बंद था। It kept raining for four hours. चार घंटों तक वर्षा हुई। चार घंटों तक क्या हुई भाई, वर्षा हुई। बारिश चार घंटों तक होती रही। बारिश चार घंटों तक होती रही। In the evening, the rain stopped and the sky became clear. शाम को बारिश समाप्त हुई और the sky became clear, और आकाश साफ हो गया। There was a beautiful rainbow in the sky. आसमान में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था, है ना, इंद्रधनुष था। आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष था। There was a beautiful rainbow in the sky. आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष था। The seven color of the rainbow attract everyone. इंद्रधनुष के सातों रंग सभी को आकर्षित कर रहे थे, है ना। इंद्रधनुष के सातों रंग, सात रंग सभी को क्या कर रहे थे, आकर्षित करते हैं। सुन द नाइट फेल। जल्दी ही रात हो गई। इट वाज ए फुल मून नाइट। वह पूर्णिमा की रात थी। एवरी ऑब्जेक्ट वाज बाथ्ड इन द सिल्वर लाइट ऑफ द फुल मून। ठीक है, प्रत्येक वस्तु पूर्ण चांद की सिल्वर रोशनी में नहा गई थी। इट बिकम कोल्ड, ठंड हो गई। इट बिकम कोल्ड यानी ठंड हो गई। देयर वाज परफेक्ट पीस ऑल अराउंड।
प्रत्येक वस्तु पूर्ण चांद की सिल्वर रोशनी में नहा गई थी। ठीक है, समटाइम्स ए वांडरिंग क्लाउड कवर्ड द मून, समटाइम्स कहा है कि समटाइम्स ए वांडरिंग क्लाउड कवर्ड द मून, समटाइम्स कभी कभी एक घूमता हुआ बादल चांद को ढक रहा था। देन द बीम ऑफ द मून रिफ्लेक्टेड ऑफ द क्लाउड एंड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, चांद की किरण बादल के प्रतिबिंब पर दिखी थी और बहुत सुंदर दिखती थी। ए रेनी डे इज थस ए चार्मिंग डे, ए रेनी डे इज चार्मिंग डे, एक बरसाती दिन इस प्रकार एक सुंदर दिन होता है। इट कीप्स अस चीयरफुल एंड हैप्पी, है ना, यह हमें खुश और मस्त रखता है, यह हमें खुश और मस्त रखता है। ठीक है, ए रेनी डे, एक बार अगेन देखें इसको, ए रेनी डे इज एन इंटरेस्टिंग डे फॉर द चिल्ड्रेन, ए रेनी डे इज एन इंटरेस्टिंग डे फॉर द चिल्ड्रेन, बरसात का दिन बच्चों के लिए मजेदार का दिन होता है, मजे का दिन होता है, मजे करने का, आनंदित करने का दिन होता है। इफ द रेन आर हैवी, यदि बरसात ज्यादा होती है, द स्कूल एंड कॉलेज आर क्लोज, तो स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते हैं। दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वांडर देयर एंड हेयर एंड देयर, उन्हें यहाँ और वहाँ घूमने का अवसर मिल जाता है। दे पास दे मेरली, वे आनंदित होकर दिन व्यतीत करते हैं। इट वाज ए क्लियर डे इन विंटर, यह सर्दियों का साफ दिन था। वी एक्सपेक्टेड ए कोल्ड डे, हमने एक ठंडा दिन अपेक्षित किया था। बट लेकिन एट अबाउट 7 इन द मॉर्निंग देयर वाज ए डेड स्टॉप इन द विंड, है ना, डेड स्टॉप इन द विंड मतलब क्या था, लेकिन सुबह को 7 बजे के आसपास हवा में गहरी रुकावट थी, है ना, क्या कह रहा है, द विंड बिगेन टू ब्लो हार्डर, हवा क्या थी भाई, हार्डर यानी द विंड यानी हवा गहरी हो गई थी भाई। एट टाइम थंडरिंग वाज हार्ड, उस समय क्या था भाई, हवा मुश्किल से बहने लगी, लेकिन सुबह को 7 बजे के आसपास हवा में गहरी रुकावट थी, मौसम बर्फ गर्म बन गया। ठीक है, ओहो तो एक मिनट क्यों, देखो इट वॉज ए क्लियर डे इन द विंटर, फिर से मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इट वॉज ए क्लियर डे इन द विंटर, यह सर्दियों का साफ दिन था। वी एक्सपेक्टेड कोल्ड डे, हम लोग यह एक्सपेक्ट किए थे, है ना, हमने एक ठंडा दिन अपेक्षित किया था। बट लेकिन एट अबाउट 7 इन द मॉर्निंग देयर वॉज ए डेड स्टॉप इन द विंड, लेकिन क्या हुआ भाई, हवा, लेकिन सुबह को 7 बजे के आसपास हवा में रुकावट थी। द वेदर बिकम वार्म, मौसम गर्म हो गया था। ए फ्यू पैचेस ऑफ क्लाउड वेयर सीन इन द स्काई, बादल के कुछ पैबंद आसमान में दिखाई दिए। एट अबाउट 9 क्लाउड्स बिकम थिकर एंड डार्कर इन द स्काई,
9 बजे के आसपास आसमान में बादल घने और अंधकारमय बन गए। द विंड बिगन टू ब्लो हार्डर, हवा मुश्किल से बहने लगी। एट टाइम्स थंडरिंग वाज हार्ड, एट टाइम्स थंडरिंग वाज हार्ड, वहां गर्जन और ओले थे। एट टाइम्स थंडरिंग वाज हार्ड, ठीक है। सुडनली इट बिगेन टू रेन हैवली, सुडनली माने अचानक तेज बारिश होने शुरू हो गई। दो हु वेयर इन द स्ट्रीट, जो लोग गलियों में थे, टूक शेल्टर इन द नियर बाई हाउसेज, वे लोग अपने घरों में शरण लिए। सम वेयर कम्प्लीटली वे, और कुछ जो है पूरी तरह से भीग गए। देयर वाज हनी डीप वाटर ऑन द मेन रोड, मुख्य सड़कों पर घुटनों तक गहरा पानी था। देयर वेयर थंडर एंड हेल, देयर वेयर थंडर एंड हेल, वहाँ गर्जन और ओले थे। द विंड वाज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। आई वाज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था। द स्कूल वाज क्लोज, द स्कूल बंद था। इट केप्ट रेनिंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों तक वर्षा होती रही, है ना, बारिश 4 घंटों तक होती रही। अब देखिए, इन द इवनिंग द मेन द रेन स्टॉप एंड द स्काई बिकम क्लियर, शाम को जो है क्या हुआ भाई, शाम को बारिश रुकी और आसमान साफ हो गया। देयर वाज ए ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष था। द सेवन कलर ऑफ द रेनबो अट्रैक्ट एवरीवन, इन धनुष के साथ रंग सभी को आकर्षित करते हैं। सून द नाइट फेल, जल्द ही रात हो गई। इट वाज ए फुल मून नाइट, या पूर्णिमा की रात थी। एवरी ऑब्जेक्ट वाज वॉच इन द सिल्वर लाइट ऑफ द फुल मून, फुल मून, प्रत्येक वस्तु पूर्ण चांद की सिल्वर रोशनी में नहा गई थी। इट बिकम कोल्ड, ठंड हो गई, है ना। देयर वाज परफेक्ट पीस ऑल अराउंड, वहां चारों ओर उचित शांति थी, वहां चारों ओर उचित शांति थी। Sometimes कभी कभी एक घूमता बादल चांद को ढक रहा था, चांद को क्या कर रहा था, ढक रहा था। Then the beam of the moon reflected off the cloud and looked very beautiful, है ना, चांद की किरण बादल के प्रतिबिंब पर दिखी थी और बहुत सुंदर दिखती थी, है ना। ए रेनी डे इज थस चार्मिंग डे, रेनी डे इज थस चार्मिंग डे, एक बरसाती दिन इस प्रकार एक सुंदर दिन होता है। इट इज अ चार्मिंग एंड हैप्पी, यह हमें खुश और मस्त रखता है, है ना, यह हमें खुश और मस्त रखता है। ठीक है बच्चों, देखिए ए रेनी डे चैप्टर 12 हमने आपको कंप्लीट की जो है पढ़ा दिया। इसमें से मैं जो है एक दिन जो है अखिलेश्वर शुभ पढ़ाए थे बच्चों, मैं उस दिन नहीं पढ़ा पाया था, लेकिन आज मैंने इसको जो है आपको पूरा क्लियर कर दिया। आप इसको जो है इसके वर्ड मीनिंग को आसानी के साथ जो है कॉपी पर लिखेंगे और इसको याद कर लेंगे। याद करने के साथ साथ इस रेनी डे को पढ़ेंगे, बरसात का दिन इसको पढ़ लेंगे, और जो है
इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी कल आपको बच्चों हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट वीडियो में यानी कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए